अभी मेरी भैंस का दूध निकाल रही है। आज हमारी किट्टू ने गाय का पूरा दूध पी लिया था। आज हमारी गाय का किट्टू ने पूरा दूध पी लिया था। अब हम भैंस का दूध निकाल के गर्म कर लेंगे। अभी हम भैंस का दूध निकाल के गर्म कर लेंगे। आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इसीलिए मैंने सोचा पकौड़े खाने चलते हैं उस रेखा चाची के घर पे। ये गर्मी कब आएगी? थोड़ी दिन बाद में गर्मी आ जाएगी। आती नहीं, कितने दिन हो गए। अभी सृष्टि सर्दी से थक चुकी है, ऐसे बोल रही है मम्मा गर्मी कब आएगी। मैं क्लोज करूं? कर दूं। यह हमारी कुल्डी है, यहाँ से हमने गोबर उठा के खेतों में डाल दिया है। अभी इसको स्टार्ट किया है, छोटी सी लगी है। यहाँ बहुत बड़ी कुल्डी थी, सारा गोबर हमने खेत में डाल दिया है। वहाँ पे तरबूज करेंगे जहाँ पे गोबर डाला है। गोबर नहीं है, पहले मैंने डाल दिया था। गाय का गोबर डाल दी हूँ। भैंस को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मैं उनको सूखा चारा डाल रही हूँ और बारिश आने वाली है। हरा चारा तो नहीं ला सकती क्योंकि बारिश हो रही है। और गाय भैंस सबको सूखा चारा उसमें थोड़ा थोड़ा लून मिला के डाल देंगे तो आराम से खा लेंगे। वैसे तो हम थोड़ा हरा चारा डाल देते हैं लेकिन आज नहीं ला सकते। इसको मैंने सूखा चारा डाल दिया है, इसमें लून मिला दिया है और अब इसी प्रकार से सब गाय भैंस सबको गाल दूंगी, सब पशुओं को डाल दूंगी। मैं थोड़ा सा लून और मिला लेते हैं। पशु लून खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से लून में खाना पसंद करती है, अगर इसको लून डाल दिया जाए तो ये चट कर जाएगी। पची थोड़ा सा
गोटी को डाल देती हूँ। ये बार बार टांग हिलाती है इसलिए इसके निराना लग। आज हमारी किट्टू खुल गई थी और गाय का सारा दूध पी लिया है इसीलिए। अब समय हो गया है पशुओं को अंदर बांधने का तो मैं सारे पशुओं को अंदर बांध रही हूँ क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए आज हम पशुओं को जल्दी ही अंदर बांध देंगे क्योंकि सभी को सर्दी लग रही है और ये सृष्टि आ गई है। आ जाओ सटू मामा। हाँ पार्टी को बांध रही है अभी मैं इसको जिंदगी आई खोल दे गंदी शॉ। क्या बांध के बंद कर, हमने सही है, अच्छा ठेसी, बांध के शक्ल
जा रहे हैं हम रेखा के घर पे पकौड़ी खाने के लिए। चलो मम्मा चलते हैं। चलो।